जी आप कौन? जी मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने के लिए। लेकिन मैंने या मेरे बेटे ने तो कोई बुकिंग नहीं की थी। कोई बात नहीं मैम, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको घर पर ही बूस्टर डोज लग जाए ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े और भीड़ ना हो, क्योंकि इससे इफ़िशेंटली सबको बूस्टर डोज आराम से लग जाएगा। लेकिन बेटा अभी तो मैं घर पर अकेली हूँ, तुम कल आ सकते हो? वो आप देख लीजिए मैम, क्योंकि अगर मैं चला गया तो दोबारा आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे और आजकल तो ओमिक्रॉन भी कितना बढ़ रहा है मैम। बाकी तो आप खुद समझदार हो। अच्छा बेटा, बूस्टर डोज तो लगवाना ज़रूरी है, तुम अंदर आ जाओ, मैं लगवा ही लेती हूँ। जी आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ बैठो। आप रिलैक्स करिए और ये स्वेटर उतार लीजिए प्लीज। बेटा मैं शायद गेट बंद करना भूल गई थी, जरा देख के आओ गेट बंद है। जी ठीक है मैं देख लेता हूँ। ठीक कर दिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा, आप खुद ही घर पर वैक्सीन लगाने आ गए। इसमें थैंक यू की क्या बात है मैम, मुझे तो आना ही था, आज मेरा स्पेशल दिन जो है। क्या मतलब? इसका मतलब तो तुझे होश आने के बाद पता चलेगा। हाँ भाई कर ली छोरी, हेल्प कर दो थोड़ी। तू कौन? अरे आंटी तो बेहोश थी ना वहां पे। अबे बेहोश नहीं हुए थे, नाटक कर रहे थे। हेलो बेटा सुन, चोरी करने के लिए ना गलत घर चुन लिया तूने आज। पुलिस वाले का घर है और तेरे जैसे लोगों की ना बहुत कंप्लेंट आ रही है कि तुम ये बूस्टर डोज लगाने के बहाने से घर में घुसते, फिर सीनियर सिटीजन को बेहोश करके घर का सारा माल लेके साफ। तुझे क्या लगा था कि तू हम बूढ़ों को बेवकूफ बना लेगा? मुझे सब पता है कि बूस्टर डोज लेने के लिए बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की जाती है। हम सीनियर सिटीजन्स को ना बेवकूफ समझना बंद कर दे। नहीं आंटी ऐसा नहीं कुछ कर रहा। इस पेंडेमिक के टाइम पे भी ऐसी घटिया हरकत करता है। जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे माफ कर दो, मैं आ रहा हूँ। टेल डेट जो रूल और इन्फॉर्मेशन है, कोविड की बूस्टर डोज के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज ये बात अपने घर के बड़े और बुजुर्गों को जरूर बताएं, बिकॉज देयर सेफ्टी एंड योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स, सो ऑलवेज बी अवेयर। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो, तो आप ये स्कैम सेवियर्स नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। सो सी यू इन द ग्रुप। थैंक यू।